हेलो प्रणाम गुरु जी। सुदीप सिन्हा बोल रहा हूँ अंबिकापुर से। सर अपने ही बारे में जानना चाह रहा था गुरु जी। 1 जनवरी 1988 सुबह 9:27। पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं सिन्हा जी, सही है कि गलत है ना? जी। कुंडली अगर सही है तो आपका मकान किसी न किसी सीमा पर, किसी न किसी हद पर है। जैसे मकान के कॉलोनी की सीमा, वार्ड की सीमा, मोहल्ले की सीमा, ये रामनगर, ये सुदामा नगर, ऐसी कहीं ना कहीं बॉर्डर आपके घर के आसपास से शुरू होनी चाहिए। सही है कि गलत है बताइए। जी गुरु जी, मैं हम लोग का घर के जस्ट बाजू वाला जो गली है वहां से दूसरे कॉलोनी शुरू है। आपकी कुंडली अगर सही है तो घर के बाहर देखिए सीधे हाथ तरफ कोई पेड़ लगा है, अनार का, बेलपत्री का, आंवले का, आम का, या सुंदर सा फूलों का, जासून का, सही है कि गलत? सीधे हाथ में गुरु जी पेड़ तो है गुरु जी, पीपल होता है, पीपल वगैरह का पेड़। कुंडली ये बताती है आपका मन बड़ा ही अशांत और चंचल रहता है, सही है कि गलत? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरु जी। कुंडली ये बताती है कि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है, टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गुरु जी। कुंडली के अनुसार संघर्ष है परंतु सफलता नहीं है, सही? जी बिल्कुल। कुंडली बिल्कुल सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी 2 साल से बहुत ज्यादा परेशानी, कोई काम धाम भी नहीं हो रहा है, दुकान भी खुला था वो भी बंद हो गई, समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी वगैरह भी बिक रही है गुरु जी, काफी कर्जा वर्जा हुआ पड़ा है, बहुत परेशानी। और देखिए सेटलमेंट कब तक हो? सुदीप जी कुंडली ये बताती है कि अभी भी समय अच्छा नहीं है जी। और कुंडली ये बताती है कि अभी कुछ समय तक समय ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल क्या पिछले वर्ष में किसी तरह की धोखाधड़ी या अनबन किसी से हुई थी क्या? हाँ गुरु जी चल रही है, बहुत ज्यादा अभी भी चल रही है। बिल्कुल सही बात। अभी आपको हनुमान जी की शरण लेना चाहिए जी, और लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप, या तो जाप करें या तो फिर आप उस मंत्र को सुने तो आपका कल्याण होगा।